नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अमेरिकी मीडिया में किम जोंग उनके ब्रेन डेड होने की भी अटकलें तेज हो गई हैं। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को खुफिया जानकारी में पता चला है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन सर्जरी के बाद गंभीर खतरे से गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका कार्डियोवास्कुलर की वजह से इलाज चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की सर्जरी की गई थी, मगर उसके बाद उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। तानाशाह किम जोंग उन का प्योंगयांग के बाहर ह्यांगसान के एक विला में इलाज चल रहा है। किम जोंग उन को लेकर अटकलें और तेज उस वक्त हो गई जब वह अपने देश के स्थापना दिवस और अपने स्वर्गीय दादा के 108वें जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भी 15 अप्रैल को दिखाई नहीं दिए थे। डेली एनके ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तानाशाह किम जोंग की तबीयत बीते कुछ महीनों में ज्यादा खराब हुई है। इसकी वजह है कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग, मोटापे की बीमारी और बेहद काम। CNN के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के मीडिया में अब तक किम जोंग की तबीयत को लेकर कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ है। वजह, वहां मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है, इसीलिए सूचना का इतनी पेच, इसीलिए यहां से सूचना का इतनी जल्दी से खुलासा होना बहुत ही मुश्किल है। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 11 अप्रैल को देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता की थी और कोरोना वायरस को लेकर सख्त जांच के आदेश दिए थे। इतना ही नहीं, वह 14 अप्रैल को मिसाइल के परीक्षण के कार्यक्रम से भी नदारद थे। बता दें कि अपने पिता और दिवंगत नेता किम जोंग इल की 2011 के आखिर में मृत्यु हो जाने के बाद किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी।